मुंब्रा पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंब्रा बाईपास पर ट्रक ड्राइवर से लूटपाट करने के मामले में मुंब्रा के दादी कॉलोनी के रहने वाले मूसा अब्दुल जलील शेख 28 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। इसने ड्राइवर से 7,500 रुपए और मोबाइल फोन मारपीट करके छीन लिया था। इसी तरह से एक दूसरे मामले में मोहम्मद अली सलीम शेख 20 वर्षीय और मोहम्मद अली सैयद अहमद हाशमी 30 वर्षीय, मोहम्मद अकबर सिराज अहमद हाशमी 28 वर्षीय, ये तीनों रशीद कंपाउंड के रहने वाले हैं, जबकि चौथा आरोपी मोहम्मद अफजल मोहित शेख 22 वर्षीय, ये बांद्रा का रहने वाला है। पुलिस ने इन्हें मुंब्रा बाईपास अलीशान होटल के पास से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 किलो चरस बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत 10 लाख रुपये बताई जा रही है। इसी तरह से 60 ग्राम एमडी के साथ मुंब्रा पुलिस ने इरफान सत्तार पठान 43 वर्षीय, जो रसीद कंपाउंड का रहने वाला है, पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 60 ग्राम एमडी बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत 1,10,000 रुपये बताई जा रही है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके DCP गणेश गावड़े ने इन तीनों मामले में क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। पुलिस स्टेशन में एक रॉबरी का डिटेक्शन भी हुआ है। 8 दिन पहले 2 तारीख सुबह 4:30 से 5:45 बजे के दरमियान एक ट्रेलर मुंब्रा बाईपास से आ रहा था। मुंब्रा बाईपास जहां पर स्लोप है वहां पर स्पीड कम होती है, वहां पे 2 आरोपियों ने वो ट्रक रुका कर अंदर घुसे और चाकू दिखाकर आरोपी से मोबाइल और उसके पास की ड्राइवर से उनको नीचे उतारा। बाजू का खेत है वहाँ लेके गए, वहाँ से वो कंप्लेनेंट के ड्राइवर के पास से कुछ कैश और उसका वीवो कंपनी का मोबाइल वो उन्होंने चुरा कर उसको धमकी भी दी कि अगर पुलिस के पास गया तो तेरा गेम बजा देंगे। वो काफ़ी डर गया था, फिर भी वो आके पुलिस स्टेशन आके उसने कंप्लेन दी और उस कंप्लेन के अनुसार पुलिस स्टेशन में 394 और 34 IPC की धाराओं के तहत गुनाह दाखिल किया गया। हमारे उनकी टीम ने टेक्निकल सपोर्ट लिया हमारे ऑफिस से, बाकी अरेस्ट किया। आरोपी मूसा अब्दुल जलील शेख को अरेस्ट किया है, उससे 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं, उसका 10 दिन का एफआईआर भी हमने लिया है। उसके साथ जो आरोपी था उसका नाम भी मिला है, लेकिन वो अभी दूसरे पुलिस स्टेशन के कस्टडी में, उसको भी ट्रांसफर किया जाएगा। वो दूसरा आरोपी बशारत इश्तियाक हुसैन मिर्जा, ये रहने वाला अमृतनगर मुंब्रा का है, उसको भी हम अरेस्ट कर लेंगे। ये जो पहला आरोपी है मूसा अब्दुल जलील शेख, इसके ऊपर पुलिस स्टेशन रबाड़े MIDC नेरू तुरभे मुंब्रा यहाँ पर टोटल 9 केसेस दाखिल है, जिनमें रॉबरी चोरी और मारपीटी के गुनाह दाखिल है, ग्रीवस हर्ट के भी गुनाह दाखिल है। ये सभी आरोपियों का रिकॉर्ड चेक कर उनको आइदर करी पाई। पुलिस स्टेशन मुंब्रा में सीनियर PI श्री कोलटकर, इन्होंने 2 दिन पहले चार्ज लिया है। चार्ज लेने के बाद ही काफ़ी अच्छे काम की शुरुआत पुलिस स्टेशन मुंब्रा में हुई है। 2 दिन पहले पुलिस स्टेशन मुंब्रा के DBK टीम की ऑफिसर श्रीमती कृपाली पोसे, इन्हें जानकारी मिली थी शिव फाटा से मुंब्रा रोड पर आलिशान होटल के बाजू में चरस वहाँ पे बेचने के लिए एक आदमी आने वाला है। तो वो इन्फॉर्मेशन के पर उन्होंने सीनियर से परमिशन लेके वो उनके साथ हमारे PI क्राइम श्री निकम और उनकी पूरी टीम वहाँ जाकर उन्होंने रेड की और वो लीगल एक्शन लेकर मोहम्मद अली सलीम शेख, ये 20 साल का रशीद कंपाउंड में रहने वाला आरोपी है, उसको अरेस्ट किया। उसके पास काले रंग की प्लास्टिक बैग थी, वो थैली में 1 किलो चरस जिसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए है वो जब्त की गई। उसके वो उनकी कंप्लेन रजिस्टर थी और वहाँ पर वो 144/23 ये NDPS एक्ट सेक्शन 8 और 20 के अनुसार गुना दाखिल किया है। ये आरोपी को इंट्रोगेट किया, ये इंट्रोगेशन में आरोपी ने जो लोगों की मदद एक क्राइम करते हुए ली थी, वो मोहम्मद अफजल मोहित शेख, मोहम्मद अली सैयद अहमद हाशमी
और मोहम्मद अकबर सिराज अहमद हशमी जो कि दो नंबर का आरोपी बताया वो बांद्रा का है, उसके ऊपर खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन मुंबई पुलिस वहाँ पर कुछ पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, गुनहे दाखिल है। और लास्ट के जो आरोपी जिनके नाम बताए वो कौसा मुंडा के रहने वाले हैं। तो ये लोगों को अरेस्ट किया है, उनकी पुलिस कस्टडी भी ली है, 13 तारीख तक ये लोग पुलिस कस्टडी में रहेंगे। अभी उनका इंट्रोगेशन चालू है, जो माल जहाँ से आया उसके बैकवर्ड लिंक और माल जहाँ पे बेचने वाले हैं उसकी फॉरवर्ड लिंक, उसका इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू है। ये कार्रवाई हमारे मुमरा की टीम ने की है। और एक कार्रवाई परसों के दिन हुई है, वो एमडी पाउडर, ये एमडी 60 ग्राम एमडी पाउडर जब्त की गई है। ये एमएम वैली कब्रस्तान कब्रस्तान के पास का एरिया है मुमरा, वहाँ से आरोपी इरफान सत्तार पठान इनके पास से एमडी पाउडर जब्त की गई है। और उनके ऊपर क्राइम रजिस्टर क्या है 143/23, इसमें भी सेक्शंस 8 और 20 एनडीपीएस के हैं और इसमें अभी ये इन्वेस्टिगेशन शुरू है। ये जो एनडीपीएस के दोनों केसेस है, ये केसेस से रिलेटेड यही बात है कि पिछले कुछ दिनों में जो सीरियस क्राइम मुमरा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में हुए हैं, जिस जैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ग्रीवस हर्ट, रॉबरी, ये सभी क्राइम के पीछे कहाँ ना कहीं ना कहीं पे तो जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस है, ये नशीले पदार्थ है उनका इस्तेमाल हुआ है। इसलिए हमने पुलिस स्टेशन लेवल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी है, जहाँ पे भी ऐसी कुछ जानकारी मिलेगी आइदर पोजेशन, कंजम्पशन, सेल कोई भी होगा तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई हमारी तरफ से पुलिस स्टेशन लेवल पे और जोन लेवल पे हमने शुरू की है। ये एनडीपीएस की कार्रवाई के साथ एक